ये देखिए, ये ब्लू ढक्कन वाला होता है ना, ये लिखा है, ये फैब्रिक कलर है और ये जो है ये एक्रेलिक कलर है। जो फैब्रिक कलर होता है ये फैब्रिक पे यूज़ करते हैं हम, मोस्टली फैब्रिक के लिए होता है। ये भी फैब्रिक पे यूज़ होता है। ये होता है जो जिसपे फैब्रिक कलर लिखा है, इसको हम कॉटन के कपड़े पे यूज़ करते हैं। जो प्रॉपर कॉटन का कपड़ा होता है उस पर यूज़ करना चाहिए। जो एक्रेलिक कलर होता है इसको हम सिल्क पे यूज़ कर सकते हैं, इवन ग्लास पे यूज़ कर सकते हैं, कैनवस पे। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम कपड़े पे, कॉटन पे भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिए, पानी ये नहीं कि इसमें पानी मिक्स कर देना है। पानी आपने लेना है, जैसे मैंने ये ब्रश लिया, इसके यहाँ पॉइंट पे मैंने पानी लगाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने हल्का सा इस तरह से पानी लगाना है, फिर उसके बाद हमने कलर लगाना है, और कलर लगाने के बाद हमने उसको पेंट करना है।